विराजमान है हनुमान जी के पास में, और यहाँ पर जो भी श्रद्धालु लोग आते हैं भगवान की मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ पर जो कमलदास जी महाराज थे उनकी तपोभूमि जिनकी समाधि बनी हुई है, उनके बाबा की तपस्या के कारण आज आगमन हुआ है। हनुमान जन्मोत्सव है और आप यहाँ कब से आ रहे हैं और क्या है कि कहानी है? मैं पड़ोसी गांव का रहने वाला हूँ और मैंने जब से होश संभाला है लगभग मैं विगत 15 वर्ष से यहाँ पर मैं लगातार नियमित आता हूँ और जो मेरे मन में इच्छा है उस प्रभु की कृपा से सारा संपूर्ण काम संपन्न होता है। यही उसकी महिमा है और यही उस परमपिता परमेश्वर की देन है। यहाँ दर्शन करने आए हो, कब से आ रहे हो और क्या मनोकामना आपकी पूर्ण हुई अभी तक? भगवान से ये कि विश्व में शांति रहे, काफ़ी वर्षों से आ रहे हैं। क्या मनोकामना लेके आए? आज यही बोले कि भगवान हमारी इच्छा पूर्ण करे और किसी भी प्रकार से पूरे विश्व में शांति का वातावरण हो और सभी की निरोगी काया हो। आप कब से आ रहे जी यहाँ पर और कहाँ कहाँ से यहाँ लोग आते हैं दर्शन करने के लिए? यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं, जैसे मतलब पूरे ज़्यादा हो सकता है MP और अन्य स्टेट भी हो सकता है। क्या मान्यता है आप? यहाँ पे यही मान्यता है कि भक्तों की मनोकामना जो भी है, जो भी आस्था से आता है वो पूरी होती है, बराबर बाबा करते हैं। और हम लोग भी इसलिए आए हैं, आज जन्मोत्सव है बाबा का, तो इसलिए दर्शन करने आए, आशीर्वाद लेने आए लोग, और बहुत दूर दूर से भी आते हैं सब लोग दर्शन करने। आप कहाँ से? हम लोग सहारनपुर से। क्या सुना है यहाँ की कहानी आपने? यहाँ पे यही सुना था कि ये जो यहाँ के हनुमान जी हैं वो लाइन के, वो सबकी मनोकामना भी पूरी करते हैं और जो ट्रेन वगैरह यहाँ से निकलती है उसकी गति भी धीमी हो जाती है धीरे धीरे, और वो भी मतलब काफ़ी मान्यता, और भी काफ़ी मान्यता सुनते हैं, तो सब लोग आते हैं श्रद्धालु। आज भी काफ़ी लोग आए, हम भी आए हैं। ठीक है, तो मनोकामना की थी। ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं बाबा सच्चे मन से जो याद करता है उनकी ऐसी घटनाओं से, और उसके कारण ही मैं यहाँ जो संख्या की स्थापना की गढ़ी है ना, तो यहाँ पहले गोलाई अलग अलग खेड़ा के नाम से बसे हुए थे, 12 खेड़ा कहा जाता है, यही है ना 12 खेड़ा, और 12 खेड़ा में एक खेड़ा था। अब ये पूरा संयुक्त रूप से जो नया गोलाई बना हुआ है उनके जहाँ जहाँ भी स्थान है, ये बड़ी अच्छी बात है गोलाई की, कि जितने भी स्थान हैं हनुमान जी के यहाँ 12 खेड़े उन सब पे बहुत अच्छा मतलब देख रेख हो रही है, आस्था हो रही है। छोटे बड़े मंदिर हैं ये अपने आप में, रेलवे स्टेशन से